सूरा सो पहचानिए जोलरे दीन के हेत पुरजा कट मरे कब हूं ना छड़े खेत गगन दमामा बाजियो परयो निशान काओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ। ओ ना कौमा दी मंजिल दा रास्ता वाल जिन्ना नू आया शहीदियां दा पूंजीदार जिंदगी दी जी दे कोल सरमाया शहीदियां दा मिलते मौत नू गली जो हार पाके जीवन विच ना ओना दी हार वेखी जे ना कोल शहीदा दियां हैन बड़ियां उस कौम दे बागी बहार वेखी उस कौम दे बागी बहार वेखी तखत चवर छत्र दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शहीदां दी याद अंदर आप सारे एकत्र होके बैठे हो। सरबत माई भाई सब तो पहला गज के फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा जी आप सवेर तो लैके बड़े बड़े विद्वानों तो जून 1984 का इतिहास साहब जी ने सरवण किया पर इतिहास सरवण करने के नाल नाल गुरबाणी भी सरवण की है। भाई साहब सिमरप्रीत सिंह जी बड़े प्रेम के नाल उन्होंने शब्द पढ़िया जय जयकार करे सब कोई उन्हां दी जय जयकार हुंदी है जिन्हां दे हिरदे च परमेश्वर वाहिगुरु दा जाप सिमरन हुंदा है। इह जाप सिमरन दमदमी टकसाल दे पहले मुखी संत ग्यानी बाबा दीप सिंह साहिब जी शहीद उन्हां तों लैके खालसा जी अजे तक दमदमी टकसाल ते जिन्नी देर तक चंद सूरज तारे धरती रहनी है ना ये दमदमी टकसाल का नाम रहना क्यों कि इन्हां दे हिरदे दे विच परमेश्वर का नाम वसदा। एक मैं बचन संतां दा सुनिया कथा सरवण करदिआं संत ग्यानी गुरबचन सिंह जी होणा दा खालसा दा कि जेड़ा दमदमी टकसाल के अंदर विद्यार्थी 3 साल रह जाता ना उन्होंने एवं ना समझो वो कलगीधर पातशाह दे नाल रहा है ते जेड़े दमदमी टकसाल के मुखी बनते ने उन्हां दी कितनी कमाई होगी खालसा जी। दमदमी टकसाल के 14वें मुखी अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले श्री अमृतसर साहिब
धर्म युद्ध की तैयारी के अंदर है। खालसा जी एक गल नोट करियो, पता नहीं किन्नी कमाई संतां दी होवेगी। बड़ा जतन किया, घट्टो घट 20 बार मैं कविता लिखण दा भी संतां दी कविता लिखनी है, पर कविता नहीं लिखी गई। अरदास बेनती की संतां दे चरणां च महापुरखो, जे अपनी जथेबंदी दे विच रख्या ते अपना इतिहास सारा लिखवाओ। रात दे समय दी गल आ, भाई जोबन सिंह भी मेरे नाल सी, कहिंदे भाई साहब जी हुण की लगे हो करन। मैं क्या इतिहास लगे हां लिखण। दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी संत ज्ञानी जरनैल सिंह होना दा, कहिंदे भाई साहब किवें। मैं क्या जिवें संत लिखाउणगे, फोटो सामने लगी ही, मैं नहीं लिखी कविता, ये दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी होना ने लिखवाई है। कहिंदे पुत्रा कलम फड़ लै, इतिहास कित्थों शुरू होया। खालसा जी इंदिरा ने एक दिल्ली दे विच बैठक कीती, जिहदे विच ज्ञानी जैल सिंह भी सन। खालसा जी उन्हां ने इंदिरा ने पुछया, तुहानूं पता मैं किस बैठक किहदे वास्ते किस कारण वास्ते बैठक कीती है। जैल सिंह कहन लगा, ये गुप्त रिपोर्ट वा तुहाडी मैडम, मैं नहीं जान सकदा। कहिंदी फिर मेरी सुनो, कहिंदी हो इकत्तर बैठ जो सारे, सब नूं मैं समझावा, जिन्ना चिर है जिंदगी मेरी देश ते राज कमावा। इंदिरा आखे सुन लो सारे, मैं हाँ देश दी राणी, पिंडरां वाला फड़के लिआउणा दसा असल कहानी। कहिंदी पिंडरां वाला जूदा फड़के लिआओ, असल कहानी ये है। दास सुर सिंह तो बस चाह रहा सीगा, एक गुरमुख प्यारा मैनूं रस्ते च मिलिया, उहदे नाल बचन बहुत थोड़ा चिर होए। उन्होंने मैनूं एक गल दसी, कहिंदे भाई साहब आप जी दमदमी टकसाल तो। मैं क्या जी। कहिंदे दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी जदों श्री दरबार साहब सन ना ना सन सी, उदों एक चार सवेरे जदों घेरा पिया, साडे बजुर्ग जिन्हां दा नां करम सिंह आया, वह करम सिंह जदों बाहर निकले ते 5 किलोमीटर की दूरी ते इन्हां ने अपनी एक अफसर ने बैठक जिथे आप रहिंदे रिहायश हैगी उत्थे खालसा जी रहे हैं। ते जदों वेख्या इन्हां ने संतां वाला लिबास पाया, बाणा पाया होया, इन्हां नूं आपां पुछने भी संतां बारे कुछ जाणदे हो। ते जदों उन्हां नूं पुछा, कहिंदे संतां दे सारे करतब जिन्ने भी आ मैं अपनी अखां दे नाल वेखे आ, पर तुसीं मैनूं इह गल दसो वी आह जिहड़े बदल छाए होए फौज दे, इह अमृतसर साहिब क्यों आए आ। उह कहिंदे संत ज्ञानी जरनैल सिंह नूं जिउंदा फड़ के आपां दिल्ली नूं मैडम दे पेश करना है। उह भाई करम सिंह हस पए, कहिंदे वाह, इक मैनूं दुख है इक मैनूं हासा आउंदा है। ये कोई गाजरां मूलियां नहीं जिहड़ियां पकड़ के लै जाओगे तुसीं, उस संत की इन्नी कमाई है ना, उस संत नूं फड़ के ले जाना तुहाडी गल ही नहीं। मैनूं दुख इस गल दा कि सोहणियां वर्दियां पाईआं, सोहणे मुखड़े आ तुहाडे, भुन के सुट देने उस संत ने, ये तुहाडे चों कोई बचदा नहीं आउणा। जिहड़े बचन भाई करम सिंह ने उस मुख अफसर कहे, वे अफसर कहे, उस वे का वातावरण दमदमी टकसाल के विद्यार्थी हरचंद सिंह की कलम ने ज्यों बयान किए हैं, उन्होंने दमदमी टकसाल के विद्यार्थी भाई हिम्मत सिंह ते मेरे वे वीर भाई करनैल सिंह जी टोडरमल वाले मेरे गुआढ़ी ने। खालसा जी आप सरवण करो इन्होंने पासों होया कि उस वे पुछण लगे आण के वड्डे अफसर मैनू की सोची है दस दे संतां दी तैनू की सोची है दस दे संतां दी तैनू ए मैं उन्हां नू आखिया तुसी फे पछताउणा पिंडरां वाले शेर ने काबू न
नहीं आना। पिंडरां वाले संत ने काबू नहीं आना। बिरलियां जगते जमदिया पुत्र ने मावा। बिरलियां जगते जमदिया पुत्र ने मावा। ओ ते दृष्टि संत दी तुसी टेक नहीं पौना। पिंडरां वाले शेर ने काबू नहीं आना। पिंडरां वाले संत ने काबू नहीं आना। जीवना अणख ना सिखिया मरनों नहीं डरदा। जो बचन दलेर ने कर लिया ओ पूरा करदा। बचन दलेर ने कर लिया ओ पूरा करदा। मरना धर्म नहीं आखदा। मरना धर्म ली आखदा सिर लेखे लाउणा। पिंडरां वाले शेर ने काबू नहीं आउणा। पिंडरां वाले संत ने काबू नहीं आउणा। जिथे डुल्ले रात शहीद दी उथे दीवे जगदे। पौण शहीदी धर्म लई पिछे मेले लगदे। पौण शहीदी धर्म लई पिछे मेले लगदे। हे तुहाडे सथर वसाउण लई ओना मिंट नी लाउणा। पिंडरां वाले शेर ने काबू नी आउणा। पिंडरां वाले संत ने काबू नी आउणा। दिल्ली तक जावे। मर्द कोई नहीं जम्मिया जेड़ा अगे आवे। मर्द कोई नहीं जम्मिया जेड़ा अगे आवे। ए उसनू फड़ना लगदा सब रुड हाथ पौना। पिंडरां वाले शेर ने काबू नहीं आउणा। पिंडरां वाले संत ने काबू नहीं आउणा। करो मान जे फौज दा एह कादे जोगी। मर जाने जेड़े जानगे जां सदा ले रोगी। मर जाने जेड़े जानगे जां सदा ले रोगी। ए क्यों दा बंदा आप दा कोई बच नहीं पौना। पिंडरां वाले शेर ने काबू नहीं आउणा। पिंडरां वाले संत ने काबू नहीं आउणा। उसदी कौन बराबरी जग ते कर सकदा। शेर दे मूरे कदे नहीं गिद्दड़ खड़ सकदा। शेर दे मूरे कदे नहीं गिद्दड़ खड़ सकदा। ओ जेड़ा अगे आ गया। जेड़ा अगे आ गया ओनू पौ पछताउणा। पिंडरां वाले शेर ने काबू नहीं आउणा। पिंडरां वाले संत ने काबू नहीं आउणा। नौकरी छाट सरकार दी संतान जुड़ जो। नौकरी छाट सरकार दी संतान जुड़ जो। इत्थे सुख भी मिलेंगे अगे सुख पौना। पिंडरां वाले शेर ने काबू नहीं आउणा। पिंडरां वाले संत ने काबू नहीं आउणा।
ਦੀ ਅੱਜ ਕਲਮ ਪੁਕਾਰੇ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੇ ਓ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਵੀ ਅਤੇ ਚੱਕਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਵੀ ਅਤੇ ਚੱਕਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਫੂਕੇ ਆਪਣੇ ਫੂਕ ਦੇਣ ਪਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਇਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੰਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਾਇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 2-2 ਇੰਚੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਗੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਸ ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਬਣੂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕਵਿਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
मैं कि कोई डायरी फड़ के सीखने वास्ते नहीं गया भी भाई साहब जी मैनू आज सिख्या दो कवितावां किवें लिखिया जांदियां है। बस मेरी कविता जिहड़ी कलगीधर पातशाह दी रहमती दे नाल लिखी जांदी है उहदा सिरलेख हुंदा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जदों वाहेगुरु की कृपा होवे फिर कल अपनी जिहड़ी कलम आ चलदी रहिंदी आ रुकदी नहीं। सुंदर कवितावां कलगीधर पातशाह संत महापुरख लिखवाउंदे ने, यह मैं नहीं लिखदा, मेरी करतूत है नहीं इन्नी। कामी क्रोधी चातरी बाजी गर बे काम निंदा करदे जन्म सरानो कबू न सिमरियो राम ऐसी हालत है। पर ख्याल करियो दम दमी टकसाल दी सेवा दी सारी कृपाया आ जिहड़ी सेवा दम दमी टकसाल दी तुसीं पंज प्यारां दी बख्शी है जां बालणा दी जां लंगरां दी जिहड़ियां सेवावां बख्शियां एदे विच कथा जे एदे विच कीर्तन जे एदे विच संथिया जे सिख के चले जाएगा कोई पर जीवन नहीं बनेगा। जीवन तद बनेगा जे बाबे नानक दे घर दे भांडे मांजे बाबे नानक दे घर दी सेवा दरियां झाड़ियां झाड़ू बाड़ू कीता खालसा जी उन्हां नूं प्राप्ति होवेगी। इस करके मैं बेनती करदा किन्नी कमाई होवेगी संतां दी खालसा जी इतिहास संत ज्ञानी जरनैल सिंह होना दी कवितावां कवि लिखदे ते सुणाउंदे आ पर अजे तक जनरल सुबेग सिंह दी कविता के गुरमुख प्यारे ने लिखी नहीं। एक दिन मन च सोचिया कि महापुरखो तुहाडी सत संगत कीती आ तुहाडे दर ते रहिंदे आ भाई सुबेग सिंह होना दी भी एक कविता लिखवा दिओ। ये तर्ज भाई हिम्मत सिंह होना ने मैनूं दसी मैं कहा मेरे वलजे च नहीं आउंदी दो चार वारी इहनूं पढ़िया सुनिया ते खालसा जी वल च आ गई महाराज ने कृपा कीती। इह आ डोली छंद पैरे सारे दिंदे ने दरबार दे अंदर आपां वी पैरा दिंदे आ पर पैरा दित्ता कुछ समा भाई जोगा सिंह ने ते उहदा पैरा फिर कलगीधर पातशाह ने दसिया भी तेरे पैरे ते अज आपां खड़े रहे आ तैनू वेसवा दे दर ते नहीं जान दिता द्वारे ते नहीं जान दिता खालसा जी। इस करके जिन्हां ने पैरा दिता वह भाई सुबेग सिंह जी आ जिन्हां ने खड़ के पैरा दिता। मैं बेनती करदा भाई हिम्मत सिंह अते भाई करनैल सिंह नूं कि डोली छंद जिवें लिखिया एहो कविता कहनी है ते मेरे वीर प्रेम दे नाल कह दिओ ਇਹ ਰਾਤੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਸਗੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। हाथ पांव पर काम सब चीत निरंजन नाल करदे कारोबार भी करदे आ नौकरियां भी करदे आ ते नाल दी नाल महाराज ने आज दा कारोबार है भाव नाल दी नाल रहमत भी जिहड़ी है बख्शी है चढ़दी कला वा इहनां दी। भाई करनैल सिंह होणा ते बड़ी कृपा महाराज दी इह मेरे नाल पहलां तों जिहड़े आ आपां इकट्ठे रहे मेरे गवांढी है ते मेरे भरा इहनां नाल गाउंदे रहे आ खालसा जी कट्ठे गाउंदे हुण भरा थोड़ा समा होया चढ़ाई करके नाले ओह पुलिस विच ही ते नाले ओह कवीशरी करदे ही डोली छंद भाई सुबेग सिंह ने जो पहरा दिता दरबार दा उहनूं एवें बयान किया जा रहा दम दमी टकसाल दे विद्यार्थियों पासों आप श्रवण करना करो। जिन्ने पैरा दिता गुरु दरबार दा सुबेग सिंह जोदा सूरमा गोले बाद बाद ठिंका थाई मारदा सुबेग सिंह जोदा सूरमा जित्ती सिंघा ताई असी सिखलाई सी जित्ती सिंघा ताई असी सिखलाई सी गोली एक भी ना जाम दी अजाई सी गोली एक भी ना जाम दी अजाई सी मैगजीन विच सिंगा पाई सी जेड़ी मैगजीन विच सिंगा पाई सी लख लख एक सिंह मारदा सुबेग सिंह जोदा सूरमा
गोले वाद वाद टिंका ताई मारदा सवेग सिंह जोदा सूरमा पल दे आए हाड़ी अगे चप्पू नहीं चल दे आए हाड़ी अगे चप्पू नहीं चल दे भट्ठी उत्ते दाना ज्यों जवार दा सुबेग सिंह जोदा सूरमा गोल टिंका ताई वद वद मारदा सुबेग सिंह जोदा सूरमा सिंह लोथा उत्ते लोथा चाड़ी जांदे ने चाड़ी जांदे ने वद वद वैरी अगे आंदे ने जिन्ने वद वद वैरी अगे आंदे ने मानो जमा वाली पुरी नू पचांदे ने मानो जमा वाली पुरी नू पचांदे ने लक्का मार दिता बंदा मुटियार दा सुबेग सिंह जोदा सूरमा गोले टिंका उत्ते वद वद मारदा सुबेग सिंह जोदा सूरमा सरकार दा सुबेग सिंह जोदा सूरमा गोले बाद बाद टिंका ते मारदा सुबेग सिंह जोदा सूरमा सुबेग सिंह दी सुनावा सच्ची वार मैं सुबेग सिंह जी सुनावा सच्ची वार मैं लवा अपना भी जन्म सवार मैं लवा अपना भी जन्म सवार मैं बना कौम दे योध्या की कमाई खालसा जी योधे हुण पैदा कड़े नहीं होंगे योधे नाल ही आ समा हुण ते खालसा जी अजे भी खालसे पिछे नहीं कवितावां बोलदे आ नवीआं कवितावां नवें बोलण वाले आपां ते ना आपां कविशरां भाई उदां आ बख्शिश आ दमदमी टकसाल की बख्शिश है बिना एक बार मैनू ना चेता आया एक समय की गल आ बाबा ठाकर सिंह जी होना दे समय ना तबले वाला चढ़दी कला वाला सिंह दस दे भी कोई सीगा उह वेले बाकी चलो सिख दे सी ते उह तबले वाले ने कोई गलती की ते उहनू संतां ने घरों भेजता जदों घरों भेजिया ना ते भाई गजन सिंह जी जथेदार सी इत्थे उह संतां नूं बेनती करदे बाबा ठाकर सिंह जी उहनां नूं भी महापुरखो तबले वाला कोई सिंह चढ़दी कला वाला है नहीं गा ते हरमोनियम इकला वजदा वा बाकी सिंह बाहर चले गए आ ते जे हुण तुसी आप जी हुक्म करो ते उहनां नूं वापस लैइए बाबा ठाकर सिंह जी कहिंदे की कहा तू तबले वाला कोई नहीं उह गजन सिंह दमदमी टकसाल दे स्टेज दे उत्ते एक एक रागी सिंह दे नाल हारमोनियम वाले दे नाल पांच पांच जाने तबला वजाउण वाले होणगे गल उही होई ए साधुआं दे बचन ने बंबे दे विच जदों कवितावां बोलणियां बाबिआं ने कथा करनी ते दास ने कविता बोलणी बाबे मैनूं आंदे हरजां दस्सिआ कविता इवें लिखिआ कर जिवें जरनैल सिंह सभरावां वाले जां जोगी लिखदे आ इदां लिखिआ करो कविता मैं कहा तुसीं कृपा करनी आ आ साधुआं दे बचन ने इह कवितावां मैं नहीं लिखियां खालसा दी आप यूट्यूब ते वेख्या ही होवेगा
आने वाले समय च भी वेखोगे जिन्ना दमदमी टकसाल का इतिहास है पिछों लैके जेडे कहते ना दमदमी टकसाल कित्थों आई है इन्हों दसांगे कित्थों आई है बाबा जरनैल सिंह जी कहते दसांगे तुहानूं कित्थों आई दमदमी टकसाल। यह दमदमी टकसाल कदे पुंगरी नहीं है प्रगट हुई है इस करके खालसा जी ख्याल करियो समा समाप्त है होइयां भुलां गलतियां की माफी ये महापुरखां दे बचन सन भी दो कविता जरूर बोलियो ते बोलियो शहीद सिंघां दीआं कवितावां बोलदे आं प्रचार करदे आं बेअंत गलतियां होइयां होणगियां तुसीं रब रूप जे तुसीं बख्श भी दिंदे ते कृपा भी तुहाडे विच है। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब समुची संगत खालसा पंथ साडे ते कृपा करियो साडे विच एक अथबाक बणे ते चढ़दी कला दे नाल कवितावां बोलीए ते कवितावां कंठ बोलिया करिए जिहड़ियां कवितावां कंठ हो जाण ते कंठ कवितावां बोलिया करिए होर भी चढ़दी कला वाला जीवन होवेगा। आओ समाप्ति है साडे वल्लों अगला प्रोग्राम भाई साहिब भाई जीवा सिंह जी आप जी नूं दसणगे अगला जिहड़ा प्रोग्राम है उहदे बारे भाई जीवा सिंह जी दस रहे ने आप श्रवण करना इसे तरह बैठे रहना होइयां भुलां गलतियां की माफी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।